चुनाव में हार जीत चलती रहती है। कभी कोई हारता है तो अगली बार उसके सिर पर जीत का सहरा भी सज जाता है। चुनाव लड़ने वाला हर प्रत्याशी जानता है कि हार भले ही एक वोट से ही क्यों ना हो, वो हार ही होती है। लेकिन ये बात भी सच है कि बड़ी हार को तो प्रत्याशी फिर भी जल्द स्वीकार कर लेते हैं, पर हार जब चंद वोटों की हो तो ये परेशान जरूर करती है। हारने वाले प्रत्याशी जरूर सोचते होंगे कि काश मैंने थोड़ी सी मेहनत और कर ली होती तो शायद नतीजे कुछ और भी हो सकते थे। आज हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में छत्तीसगढ़ में हुई उन विधानसभा चुनाव की, जिसमें चंद वोटों के मार्जिन से एक प्रत्याशी विधायक बन गया तो दूसरे को हार के बाद घर बैठना पड़ा। सबसे पहले बात कांग्रेस के आबकारी मंत्री कवासी लखमा की, जो गिरते पड़ते महज 1930 वोटों से जीत हासिल कर पाए। वहीं भिलाई नगर से कांग्रेस के देवेंद्र यादव भी महज 1615 वोट से जीत सके। ये बात अलग है कि उनके सामने भाजपा के दिग्गज मंत्री कहे जाने वाले प्रेम प्रकाश पांडे थे। बिंद्रा नवागढ़ से कांग्रेस विधायक जनक लाल रूप, जो 817 वोटों से जीत हासिल कर सके। पाली तानाखार से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश के एकमात्र विधायक तुलेश्वर मरकाम भी 516 वोटों से जीत कर विधानसभा में दाखिल होने जा रहे हैं। पत्थल गांव से भाजपा की गोमती साय भी किस्मत वाली रही, जिन्होंने 255 वोटों से जीत हासिल कर ली। इस मामले में सबसे ज्यादा किस्मत वाले रहे राजेश अग्रवाल, जिन्होंने कांग्रेस के डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव को महज 94 वोटों से हराकर ना सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की हसरतों को चकनाचूर कर दिया, बल्कि उनकी विधायकी भी छीन ली। टीएस सिंह देव तो फिर भी 94 वोटों से हारे, लेकिन सोचिए जरा कांकेर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी शंकर ध्रुव के सीने में कितना दर्द होगा, जो अपनी विधायकी से महज 16 वोटों से पीछे रह गए। वैसे आप इतने कम मतों से हारने वाले प्रत्याशियों के लिए क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट जरूर करके बताइएगा।